हरियाणा में विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश की राजनीति में बड़ा उथल पुथल हो चुका है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में दोनों ही नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मंच पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सैनी, साथ ही साथ बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शामिल हुई है, क्या कुछ कहेंगे, क्या करने की कोशिश करते हैं? किरण जी, क्या कारण है? सारे कारण मैंने अपने त्याग पत्र में बहुत स्पष्टता से लिख दिए हैं और अब ये पुरानी कहानी बंद करो। आने वाले समय के अंदर निष्ठा ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे। सारे हरियाणा ने देख लिया है जो हालात कांग्रेस के बन रहे हैं, जिस तरह से साजिशें रची जाती हैं, जिस तरह से मारने का काम किया जाता है। आज बीजेपी में आने के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ कि एक कार्डर बेस पार्टी में आई हूँ और यहाँ काम करूंगी और काम करके जो है अपना जो है बीजेपी का परचम आगे और ले रहा हूँ। कांग्रेस कह रही है सरकार वो बनाते हुए सरकार बनेगी कांग्रेस को, ये गलत फहमी में है क्योंकि इन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 5-5 कैंडिडेट इकट्ठे कर दिए हैं और इन्हीं का काम है, ये आने वाले समय में मालूम चल जाएगा। आपने कहा कांग्रेस का भविष्य जो है कहीं ना कहीं जो है ईमानदारी, जो इन्होंने करा है सब जानते हैं, दुनिया जानती है। किरण चौधरी जी थी जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो है जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत जो है कर रहे थे किरण चौधरी। कैमरामैन सत्येंद्र कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।